क्रिकेट लीग। अभी कल कपिल शर्मा शो आप लोग अगर कोई देखा हो तो कपिल शर्मा में भी उसी के लिए आए होंगे एकदम भोजपुरी। माँ के यहाँ अद्भुत चमत्कार है, यहाँ पशु बलि दिया जाता है बाबा जी ना, तो पशु को काटा नहीं जाता है। पंडित जी अक्षत मारते हैं, पशु बेहोश हो जाता है, और जैसे ही अक्षत मारते हैं मार अच्छा करो जी उठता है। हमारे देश के संत महात्मा, देश के लोग अपनी अपनी भावना रखते हैं, मैं उसमें बहुत अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारे देश की जो संस्कृति है, सत्य सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति पे हम सभी को गर्व होना ही चाहिए। हमारा देश वैसे संविधान से चलता है, तो अब संविधान की रूपरेखा में आगे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, मगर हम सबको अपनी सोच में सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और साथ में ये हिंदुत्व ही बताता है, दूसरा धर्म नहीं बताता, कि हमें दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। तो हिंदुत्व की जो अवधारणा है वो बड़ा व्यापक है। मैं बागेश्वर धाम के जो गुरु जी हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उनसे ये बात होने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदुत्व सुन के कुछ लोग ना तुरंत भड़क जाते हैं, जिनको इससे प्रेम नहीं है। लेकिन हिंदुत्व कहता क्या है, हमनी के गांव में भी लोग कहेला कि भारत ये विश्व की धर्म की जय हो, अधर्म धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। तो ये सारे अतिथि देवो भाव हम ही लोगों का भाव है, और पूरी वसुधा पूरी धरती एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब किसका सोच है, ये तो हिंदुत्व का सोच है। तो इसको हमें अपने मन में पालन करना चाहिए, और सभी धर्मों का आदर करते हुए संविधान सम्मत देश चलेगा, और हमारे जो ऐसे महात्माओं की जो वाणी है उसके अर्थ को समझना है।